हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चावल लिए, एक कटोरी चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था चावल को, तो इस तरह से हम थोड़ा सा हल्का सा मलेंगे तो इस तरह से टूट जाएंगे। तो ये देखिए, साथ में उन्हें ले ली आधी कटोरी दाल। ये धुली हुई मूंग की दाल है, इसे हम अक्सर खिचड़ी के लिए ही यूज़ करते हैं। इसे मैं धो लेती हूँ 2-3 पानी में इसे अच्छी तरह से। देखिए दाल को मैंने धो लिया है, इसका पानी चेंज कर लेंगे। अब देखिए दाल हमारी धुल चुकी है, पानी निकाल दिया है मैंने। साथ ही में देखिए मैंने प्याज भी कट करके रखे हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 2 ही टमाटर रफली चॉप करके मैंने रख लिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट मैंने पहले से तैयार करके रख लिए ताकि बनाने में हमें आसानी हो जाए। मैंने लिया है एक कुकर, कुकर में मैं डालूंगी 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो सरसों का तेल डाल लीजिए। इसमें मैं डालूंगी 2 छोटे से तेज पत्ते हैं, वो डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। साथ ही में 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज जो मैंने रफली चॉप करके रखे हुए थे। प्याज को हमें फ्राई करना है, हमें ज़्यादा इसका गोल्डन डार्क कलर नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कच्चापन ही निकालना है। इस तरह से हम लगातार इसे चलाएँगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। देखिए प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी टमाटर, इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। अब मैं डाल दूंगी नमक, नमक डालने से जो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ हल्दी पाउडर डाल दूंगी, थोड़ी सी मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल ऑप्शनल है, डालनी चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए सारे मसाले इसी तरह से भुनेंगे। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। आप एक बार जरूर से ट्राई करिए। देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाला जले ना। मैंने इसके अंदर डाल दी है चावल। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दाल जो पहले से धोकर रखी हुई है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। देखिए दाल और चावल मसालों के साथ मिक्स हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। पानी मैं 3.5 ग्लास ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि जो खिचड़ी होती है ये जो ढीली होती है ना, खिचड़ी को थोड़ा सा ढीला ही रखें तभी खाने में टेस्टी लगती है। 2 सीटी आने तक इसे इसी तरह से पकाएंगे। 2 सीटी आ चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी हमारी जो खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। लेकर आएंगे इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।